हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे इतने टाइम से व्लॉग नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर से आने के बाद कश्मीर में लास्ट डे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग्स व्लॉग बनाने का। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा मन किया कि मैं व्लॉग बना दूँ। तो मैं नहा वहा चुकी हूँ, फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, तो अब मैं आई हूँ गार्डन में। देखो मैंने कितने सारे फूल तोड़े हैं पूजा के लिए, क्योंकि सबको चाहिए होते हैं फूल, सब पूजा करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गार्डन में कितने सारे मैंगो लगे हुए हैं, दिख रहे हैं? ये तो अभी एक गार्डन में, जो हमारा किचन गार्डन है पीछे, उस वहाँ पर भी दो तीन पेड़ है, उस पर भी लगे हुए हैं। ये देखो, इस पर तो सारे उड़ गए हैं, दो ही है, दो है पर बड़े बड़े हैं। ये है हमारा मतलब साइड वाला गार्डन, जिसमें हमने कोई सब्जी वगैरह नहीं लगाई है, बस फूल के पेड़ लगाए हैं बड़े बड़े ये वाले। पर अब टच वुड अच्छा हो गया। मैं किचन गार्डन आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, किचन में जाके बाबा को फूल दे दूँ, क्योंकि उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी है। मैं आ गई हूँ किचन में, मैं ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि पीछे से भजन चल रहे हैं, वरना कॉपीराइट आ जाते हैं। बाबा के लिए बनाऊंगी मैं पहले कॉफ़ी और थोड़े से ओट्स, प्री वर्कआउट में इनको ओट्स खाने होते हैं। ये देखो हो गए बाबा के प्रोग्राम्स, ओट्स इसको देख लो पहले आप। हेलो कर, हेलो हेलो माय बेबी, हेलो हेलो बुक, हेलो मम्मी अभी नाइट सूट में इसलिए भाग गए। ये देखो, ये लगी है मेरी गाड़ी। यहाँ पर भी हमने कुछ खास नहीं लगाया है, गार्डन टाइप ही बनाया, क्योंकि अभी गर्मी है तो अभी क्या ही सब्जी बनेगी। बट फिर भी हमारे माली ने कुछ 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 लगाया है। वो देखो मैंगो, देखा इस बार हमारे इस साल ना बहुत सारे मैंगोज हो गए, पिछले साल इतने नहीं होते, पिछले साल सारे गिर गए थे, बट इस पेड़ में नहीं लगे। चलो अब अपने, ये है एलोवेरा जो कि मम्मी पीती है रोज रोज। ओके भाई, मिलते हैं बाद में। पूजा वगैरह हो गई है सब की, तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर थोड़ा रूम को सेटवेट करने। हालत देख रहे हो कितने पसीने आ गए, नहाने का तो फ़ायदा ही नहीं है। आपको दिखाती हूँ रूम कितना मैसी हो गया है, उसको ठीक करना। हाँ, मैं इस पहले रूम को सेट कर देती हूँ। ये मेरा रूम सेट, इस पर लोगों मैंने उठा देना, इसको मैंने रखना है बाहर। देखो यहाँ की भी डस्टिंग हो गई है, डस्टर मेरे अभी भी हाथ में है। तो बस ये देखो, मैं छोटू सा टोरू, ये बड़ा टोरू, टोरू नहीं टोरो, ये मेरी तो छोटी छोटी की तीज। मुझे विशाल नहीं गिफ्ट किया था, विशाल मेरा भाई है। तो चलो जी, हो गया मेरा रूम सेट, अब मैं जा रही हूँ बाहर, आपको मैं दिखाऊँ अपना बैल्कनी वाला गार्डन जो कि हो गया ख़राब, जिसमें यहाँ से मैंने प्लांट्स वगैरह उठा दिए सारे। यहाँ पे एक और प्लांट लगा था, वो भी सारा निकाल दिए। यहाँ के लिए मुझे नए गमले लेकर आने हैं, छोटे छोटे गमले और अच्छे से प्लांट्स। मैंने माली भैया को बोल दिया, वो लेके आ जाएंगे कल या परसों, तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। चलो जी, मेरा रूम हो गया सर, वो है मेरा छोटा सा स्टोर जिसमें बाबा की कबर्ड है और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल वगैरह है। तो चलो एक दिन मैं आपको अच्छे से अपना रूम टूर करवाऊंगी, पूरा हाउस टूर करवाऊंगी ना। हेलो, वेलकम बैक अगैन, मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ बहू प्लाजा तक, उसके बाद मुझे थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी जाना है। तो मैं लूँगी मम्मी को साथ, मैंने पहन ली ये कॉटन सी ड्रेस, मैक्सी ड्रेस, और बन बना लिया। देखो हालत पसीने से, सिर्फ सनस्क्रीन लगाया, गलती से भी फाउंडेशन लगाया ना, तो वो टप 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 उधर जाएगा। फेस तो मेरा बहुत ज़्यादा बारी बरकम हो गया खा खा के। ये देखो बहुत ज़्यादा कम्फी सी ड्रेस है, ये मैंने वेरा मोडा से ली थी, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप भी ले सकते हो। अब पता नहीं होगा कि नहीं, ये साइज़ मैंने एक्सेल लिया था। चलो मिलते हैं मेरी थार में। आजकल फेस पे इतने पिंपल्स होने लगे ना, इवन कि मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। देखो सब
सबके फेस पे निकलती है गर्मियों में। ये एक्सटेंशन ये करवानी है चेंज। अल्फा मैं निकल रही हूँ, बाबा निकाल रहे पापा की गाड़ी। आप निकालो फिर मैं अंदर खुद ही ले आऊँगी, फिर निकालेंगे अपनी, फिर मैं निकालूँगी थार। मेरी वाली एक और है वो पीछे है, वो चलाने का मन नहीं आज। मतलब क्या यार, गाड़ी से उतरते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, गाड़ियाँ निकालते निकालते बस हो जाती है। लो पहुंच गए हम जहां हमें पहुंचना था। इसके बाद एक और जगह जाना है, फिर उसके बाद जाएंगे कुछ खाने के लिए। तो मैं गाड़ी कर रही हूँ पार्क, मम्मी उतर गई है, एक्चुअली मम्मा का ही काम था यहाँ पे ना, तो तभी यहाँ पे आया। अभी मैं गाड़ी बंद नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी बढ़ी है, मैंने साइड पे लगा दी है। गई है मम्मी, चलो जी। मुझे सबवे भी था बट अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं, घर पे सिर्फ पापा है, पापा को काम पे निकलना है तो पापा भी लेट हो जाएंगे अगर हम सबवे गए तो। अब देखती हूँ मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर करवाऊँगी, आज मम्मी का भी चीट डे है, मेरा तो नहीं है। मैं कोई डाइट शाइट नहीं कर रही हूँ, पहले कर रही थी बट जब से कश्मीर से आई हूँ मैं कोई डाइट नहीं ले रही हूँ, डाइट नहीं कर रही हूँ। चलो मिलते हैं। ट्रैवल के लिए होती है ना, फिर ये छत वगैरह बांधते होंगे ना, नीचे से चलना। और क्या बोल रही थी पूरे महीने हो गया खाना, फिर हो गया टाइट करना। पहुंच गए हम अपने रूपनगर वाले एरिया में, तो मैं जाऊंगी पहले प्रेस वाले से कपड़े लेने, उसके बाद जाऊंगी घर। मम्मी को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो इसके बाद जाऊंगी मैं घर। नारियल पानी भी पी लिया था। मैं कहती हूँ बेचारे कैसे प्रेस करते हैं, और यहाँ पे एक भैया है वो इतने शरीफ है ना, मतलब हो गए डाल दो गाड़ी में भैया, कितनी गर्मी लगती होगी इनको, ये भी तो जी रहे। क्या आपके पुराने पैसे भी है? 20? हाँ नहीं, कपड़े नहीं लाया मैंने अभी। आप पुराने भी पैसे है ना 80 रुपए, हाँ वो भी काट दीजिए, और इसका भी बता दो कितना बना। 20 कपड़ा नहीं चाहिए छोटू, इसका जूस पीना। हाँ भैया को नहीं देना। नहीं, पता है मेरे को। हाँ पहले आ गया एक ट्विस्ट, मुझे जाना पड़ा मम्मी के घर, मतलब मम्मी के घर अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर से इन्हें कुछ पकड़ाना है, वो पकड़ा के आके वापस घर चले जाऊंगी। पहुंच गई मैं घर। मम्मा थक गई, अब मैं करूँगी चेंज वगैरह पर खाऊंगी खाना। आपको पता है मैं ना गई थी पार्सल लेने बाहर, जिस चुन चुन को हम खाना देते हैं ना शाम को, एक और आई है, नहीं उसने ना बच्चे दिए थे 4-5, तो अब मैं उसके एक दो दिन से बच्चे ढूंढ रही थी, पर मुझे क्या पता था वो हमारे घर की बाहर एक नाली है बिल्कुल सामने, ये देखो ये हमारा गेट है, गेट के बिल्कुल सामने नाली में कहाँ छुपे पड़े हैं बच्चे, देखा? ये पहले उधर जुगी पे रहते पड़ा हुआ। कौन सी जुगी पे? इधर इधर। तो अब यहाँ पे किसने, कौन लेके आया? ये खुद लेके आया नीचे बाकी। ओहो ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे, लुको 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 लुको, ये लो ये लो खाना खा ले। वो कहाँ गई, इसकी माँ कहाँ गई? वो बैठी है। आजा आजा आजा
अच्छा बिस्किट खा ले, ये ले, ये लो, ये लो। वो आ रही है, आ रही है। आजा, आजा चुन चुन। तूने अपने बच्चे को, बच्चों को यहाँ लाया? आजा दूध पी ले, ये ले चुन चुन। ये देखो कितने सारे बच्चे। चुन चुन, चुन चुन ये तुझे ढूंढ रहे थे सारे। आजा 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 बिस्किट खा ले। इधर आ चुन चुन, बिस्किट तो खा ले। ये ले बिस्किट। तुम लोगों से डर रही है ना, तुम लोग साइड हो जाओ, खा ले। ये ले, ये ले, ये ले। विराट बेटा वो बिस्किट का डब्बा लेके आ। ये कब से पड़े थे यहाँ पे, ये कब से आए थे यहाँ पे? चुन चुन ये ले, चुन चुन, चुन चुन पहले बिस्किट खा। वो जो आशीष भैया के जुग्गी नहीं है, बिस्किट खा पहले। पागल कमजोर हो गई है, खा। रख दे तू इधर, रख दे, रख दे सारे इधर नीचे, सारे इधर। ये खा लेगी खुद ही, खा ले, खा ले। इनके बच्चों को दूध देते हैं। चलो दूध पी लो। कल रात को ना एक दीदी आई थी, दूध पी लो। हाँ फिर बिस्किट वगैरह वगैरह थी, पी ले। फिर बोली गिर जाएंगी तो उसके अंदर घुसा दे। पी ले, पी ले, पी ले बेटा। ये बेचारे खिसक रहे हैं, यहाँ से गिर रहे हैं। छह बच्चे हैं, कहाँ गई चुन चुन? खाई नहीं इसने बिस्किट? चुन तो बड़ी कमजोर हो गई है, पर मैं पसीने से लथपथ हो गई। देखे डाल के आई हूँ, पता नहीं बेचारे खा पाएंगे कि नहीं। चलो मैं सोऊंगी थोड़ी देर के लिए। ये देखो हमने कश्मीर से क्या मंगवाया था, नया पटका आ गया, गीला हो गया, गीला हो गया, गीला हो गया। जा उठाती हूँ ना, तो टेस्ट भी तो वैसा ही होगा ना। आ गया कोई, ये क्या है? इसकी पेट में जो कीड़े हैं उसके, इसके पेट में कीड़े हैं, दोनों सेम है। ये हमने फज मंगवाया था, ये शुगर नहीं है, हनी है। ये तो खोलो, सेम है। सारी टेबलेट्स अभी खानी है, सेम है ना? जी इसको भी दो जी, इसको भी दो जी। अभी खा रहे हो ना, सुबह डबल निकालना पड़ेगा। क्यों? इसमें हनी है। नई बोतल दी क्योंकि मैं दिन में दो तीन बोतलें बांध पीती पीती, तो मैंने नई बोतल लाई है, अमेजोन से ऑर्डर की थी तो आज आ गई। तो अब हम मूवी देख रहे हैं, उसके बाद खाएंगे खाना। नई मूवी लगाई है। कौन सी मूवी? जो अंग्रेज जैसे अक्षय कुमार है बॉलीवुड में, वो हॉलीवुड में करता है कुछ स्टंट। और पिताजी क्या कहते हैं?